हाय गाइस, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी कैश के बारे में, वो क्या है, किस तरीके से क्रिप्टो का प्रोजेक्ट जो है वो काम करता है और क्यों इसे वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्राइवेसी कॉइन में गिना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी कैश है क्या। जी कैश एक डिजिटल करेंसी है, जस्ट लाइक बिटकॉइन। जिस तरीके से बिटकॉइन डिजिटल करेंसी है, उसी तरीके से ये भी डिजिटल करेंसी है। जस्ट इसमें एक एड ऑन फीचर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्राइवेसी का। इसमें आप जैसे कि आप बिटकॉइन को अगर हम देखते हैं, बिटकॉइन क्या है कि वहाँ एक पब्लिक करेंसी है। वहाँ पे जो है, वहाँ अगर आप बिटकॉइन का एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो आप किसी का भी अकाउंट पे अगर आप उसको एड्रेस डालते हैं तो आप वहाँ पे पता लगा सकते हैं कि उसके पास कितने बिटकॉइन हैं, उसने कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन करी, कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन करी, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है पर्सनल की सिक्योरिटी के लिए। मान लीजिए आपका जो बिटकॉइन का एड्रेस है वो दुनिया को पता चल जाता है, एंड दुनिया को पता चल जाता है कि आपके पास बहुत सारे बिटकॉइन हैं, तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है, आपके ऊपर हमला हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर ये चीज़ प्राइवेट रहे, किसी को पता ना चले, तो कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी। एंड इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जी कैश ने दो अलग अलग तरीके के एड्रेसेस, एक होता है जी सैम्पलिंग एड्रेस और एक होता है टी सैम्पलिंग एड्रेस, ये दो अलग अलग एड्रेसेस रहते हैं। तो जो जी सैम्पलिंग एड्रेस रहता है वो प्राइवेट एड्रेस रहता है, यानी कि अगर आप किसी को नहीं बताना चाहते कि कितनी आप जो है जी कैश बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, तो आप जी सैम्पलिंग एड्रेस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर ये डिक्लेयर कर देना चाहते हैं कि कौन से एड्रेस से कितने जी कैश जाएंगे, तो आप क्या है, आप टी एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं। तो दो डिफरेंट है, तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है जी कैश की, जो कि यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एड्रेसेस को यूज़ करते हुए ये दोनों पब्लिक जो है, अगर आप पब्लिक करना चाहते हैं अपनी सारी स्टेटमेंट वो भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम प्राइवेट भी रख सकते हैं। तो बहुत ही यूनिक फीचर है, इसलिए प्राइवेट जो प्राइवेसी पॉइंट्स आते हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, बिकॉज दोनों एंड्स को ये मीट करता है। अब बात आती है कि इसकी सबसे ज़्यादा फीचर क्या है, क्यों इसे इतना ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट दी जाती है, वो है इसका यूज केस। बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है एंड ईजी टू यूज़ है, बिकॉज इसकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 0.0001 जी कैश होती है पर ट्रांजेक्शन। ऑन द अदर हैंड अगर हम इथेरियम जैसे जो नेटवर्क है उसकी फीस देखते हो $250 तक चली जाती है, जिसकी वजह से जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो एक और फीचर है वो है ऑडिट फ्रेंडली। अब आप मान लीजिए अगर आपको डिस्क्लोज करना है कि आपके पास कितने जी कैश है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप टी सैम्पलिंग एड्रेस को यूज करते हो, वहां पे अपनी सारी जो ट्रांजेक्शन है उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं और बता सकते हैं। मान लीजिए आपने ऑडिटर्स के साथ काम करना है या फिर आपने गवर्नमेंट को अपनी वेल्थ को डिक्लेयर करना है, तो जो ऑडिट्स हैं उसके लिए भी रेगुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ऑडिट में भी इसका जो है आप बता सकते हैं कि कैसे ऑडिट में आप डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी इनकम यूजिंग जी कैश। तो आप अब बोलेंगे कि शील्डेड जो एड्रेसेस हैं, जैसे जी सैम्पलिंग एड्रेस टू जी सैम्पलिंग में, वहाँ पर तो हमें डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता, तो वहाँ पर जी कैश में जो होता है, तो आप किस तरीके से ऑडिटर्स या फिर अगर गवर्नमेंट को आपको डिक्लेयर करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं यूजिंग व्यूइंग कीज। व्यूइंग कीज में क्या होता है कि अगर आपके शील्डेड एड्रेसेस के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो उसको आप यहाँ पे है जो डिस्क्लोज व्यूइंग की बना के अपनी अलग से आप अपने ऑडिटर या फिर अकाउंटेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड उसके थ्रू वो जो आपकी ट्रांजेक्शन, कितनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, कितने पैसे रिसीव हो रहे हैं यूजिंग जी कैश, तो वो सारा कुछ वहाँ पर पता लगाया जा सकता है। अब ये इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शील्डेड ट्रांजेक्शन में जो है सारी इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहती है, लेकिन हो सकता है कि आपको जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर करनी हो, राइट। तो व्यूइंग कीज़ की वजह से आप जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है, टारगेट एड्रेस क्या था, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने जो भी जिसके साथ थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब आप ये पूछिए कि इसका यूज़ केस कैसे है। मान लीजिए कोई मान लीजिए जैसे NGO है, उसको जी कैश के थ्रू सारी ट्रांजेक्शन हो रही है और उसको वहाँ पर डोनेशन मिल रही है, तो अपनी व्यूइंग की शेयर करके पब्लिक में बता सकता है कि देखिए ये यहाँ यहाँ से हमें पैसे मिल रहे हैं, तो एट द सेम टाइम शील्डेड भी रह सकते हैं और अपनी व्यूइंग की के थ्रू अपना ऑडिट भी कंप्लीट करवा सकते हैं। एक्सचेंजेस भी सेम चीज़ कर सकती हैं ताकि कोई भी बैड एक्टर इसका यूज़ ना कर पाए, एंड जो सारी डिटेक्शन है वो हो सके कि अच्छा अमाउंट यहीं से आया है। एंड इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर है, जो कि आपको थर्ड पार्टी से अगर कोई भी ऑडिट करवाना है अपना अकाउंट्स में, जो अपनी स्टेटमेंट डालनी है, इनकम स्टेटमेंट डालनी है, वो सारे में काफ़ी ज़्यादा व्यूइंग की हेल्प करते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है प्राइवेसी फोकस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिटकॉइन लोगों को नहीं पता कि कितना ज़्यादा पब्लिक है, ये आपके जो बैंक है उससे भी ज़्यादा पब्लिक है।
बैंक में आपका कितना अमाउंट है ये सिर्फ बैंक को पता है और आपको पता है, लेकिन बिटकॉइन को अगर आप यूज करते हैं तो क्या होता है, सबको पता चल जाता है कि कितना आपके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है। जीकैश इस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। वो कैसे सोल्व करता है, अगर आप जेड सैम्पलिंग एड्रेस को यूज करते हैं, उसके यूज करने के बाद जो है आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो प्राइवेट हो जाएगी। नेक्स्ट जो फीचर है वो है सिक्योर नेटवर्क। जी कैश जो है वो बहुत सारे उसके ऊपर वैलिडेटर्स काम करते हैं एंड प्रूफ ऑफ वर्क पे काम होता है, इसकी वजह से नेटवर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। जी कैश के दो पार्ट्स हैं, एक है इलेक्ट्रिक कॉइन कंपनी एंड जी कैश फाउंडेशन। इलेक्ट्रिक कॉइन कंपनी जो है वो उसको डेवलपर साइंटिस्ट प्रोवाइड करती है, एंड जो जी कैश फाउंडेशन है उसका काम होता है रिसर्च को फंड करना, ग्रांट्स प्रोवाइड करना डेवलपर्स को एंड कम्युनिटी को इंगेज करके रखना। जी कैश की फाउंडेशन 2016 में हुई थी एंड इसके पीछे के जो टीम है वो MIT एंड बड़े बड़े जो जो यूनिवर्सिटीज है उसके रिसर्चर्स हैं। इसकी वजह से इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करी जाती है एंड प्राइवेसी में इतना ज़्यादा इन्होंने इनोवेशन लेके आए हैं कि दो अलग अलग तरीके के एड्रेस लेके आए हैं। अब हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राइवेसी कैसे इंश्योर होती है, इसमें दो अलग अलग तरीके के एड्रेस होते हैं। एक होता है जी सैम्पलिंग एड्रेस और एक होता है टी सैम्पलिंग एड्रेस। तो स्टार्टिंग के अगर जो प्राइवेट एड्रेस होगा वो जी से स्टार्ट होगा और जो पब्लिक होगा एड्रेस वो टी से स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए इसमें चार अलग अलग तरीके की ट्रांजेक्शन हो सकती है, यानी कि जो जेड सैम्पलिंग एड्रेस है वो जेड सैम्पलिंग एड्रेस को भेज दे तो वो पूरी की पूरी जो ट्रांजेक्शन है वो प्राइवेट रहेगी। अब दूसरी ट्रांजेक्शन कैसे हो सकती है, टी सैम्पलिंग एड्रेस जो है वो टी सैम्पलिंग एड्रेस को भेज दे तो वो पूरी की पूरी पब्लिक रहेगी, बिकॉज दोनों जो एड्रेसेस है वो पब्लिक है। अब हम बात करते हैं अगर जी जो सैम्पलिंग एड्रेस है वो टी सैम्पलिंग एड्रेस को जो है वो जी कैश भेज दे तो वो डी शील्डिंग हो जाएगी, यानी कि शील्डिंग ट्रांजेक्शन नहीं रह जाएगी। वाई, बिकॉज जो टी सैम्पलिंग है वो क्या है, वो पब्लिक एड्रेस है और वो उसको वेरीफाई किया जा सकता है ब्लॉकचेन पे, वहां पे पता लगाया जा सकता है कि कितने जो हैं वो जी कैश भेजे गए तो वो डी शील्डिंग हो जाएगी। जो चौथी ट्रांजेक्शन टाइप है वो है शील्डिंग। अगर आप टी एड्रेस से जेड एड्रेस सैम्पलिंग पे भेज देते हैं तो वो क्या, वो शील्डेड हो जाएगा। तो दो ट्रांजेक्शन टाइप होती हैं, एक होती है शील्डेड एक होती है नॉन शील्डेड। तो अगर आप जेड सैम्पलिंग से जेड सैम्पलिंग भेजे तो शील्डेड रहेगी, टी सैम्पलिंग से टी सैम्पलिंग भेजेंगे तो वो नॉन शील्डेड हो जाएगी। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप नेटवर्क के ऊपर ही डिक्लेयर करना चाहते हैं कि आप कितने ज्यादा जी कैश भेज रहे हैं, कौन से एड्रेस से भेज रहे हैं। आपको प्राइवेसी अगर आपको चाहिए तो आप वो भी इंश्योर कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा रिमार्केबल एंड लैंडमार्क टेक्नोलॉजी है जो कि जी कैश यूज करता है इस तरीके से, दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एड्रेसेस को यूज करते हुए। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आप जी सैम्पलिंग जो एड्रेस है उसको टी सैम्पलिंग पे नहीं भेज सकते वहां पे एंड वहां से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। दोनों इंटरपोर्टेबिलिटी है, यानी कि अगर आप चाहते हैं जी सैम्पलिंग एड्रेस है आपके पास, वहां पे आपके पास जी कैश पड़े हुए हैं, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और टी सैम्पलिंग एड्रेस के ऊपर। तो जो इंटरपोर्टेबिलिटी है ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो ट्रांजेक्शन स्पीड है वो काफी ज्यादा फास्ट है एंड उसकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है बहुत ज्यादा कम है। इसकी वजह से जी कैश जो डिजिटल करेंसी में काफी ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम जी कैश की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि जी कैश की टेक्नोलॉजी इन डेप्थ में उसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से ये शील्डेड ट्रांजेक्शन और जो अनशील्डेड ट्रांजेक्शन यानी कि पब्लिक ट्रांजेक्शन है वो किस तरीके से इंश्योर की जाती है, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, वो सारी भी डिटेल में बात की जाएगी। आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आप जी कैश के बारे में और क्या जानना चाहते हैं एंड इसके प्राइवेसी फोकस होने के पीछे की और किन चीज़ों के और एस्पेक्ट्स के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, एंड अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको क्रिप्टो वर्ल्ड के अपडेट्स मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हम ऑन वीकली बेसिस जी कैश के वीकली अपडेट्स लाते रहेंगे। इस वीक भी पहले भी स्टार्ट हो चुकी है सीरीज, हम नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें जी कैश के जो भी वीकली अपडेट्स होंगे आपको मिलते रहेंगे। तो फिनस्ट्रीट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जी कैश के जो भी अपडेट्स हैं आपको रेगुलरली यहाँ पे मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस।